चुकेंदीप 44% से घटकर 33%, और सबसे बड़ा एक पॉजिटिव आज के लिए कि होगा तो बेचोगे नहीं तो क्या बेचोगे, क्या बेचोगे, स्टॉक्स बेच लो, स्टॉक्स लेने के लिए तो हमारे फंड तैयार खड़े हैं। इंडेक्स कौन खरीदे इनका? एग्जैक्टली, इंडेक्स तो हमारे लोकल फंड खरीदते नहीं, इंडेक्स तो हमारे ट्रेडर्स को ही खरीदना होता है। दूसरा पुटकॉल रेशियो दीप, जो सीरीज की शुरुआत में है 1.09, बहुत कंफर्टेबल है। आमतौर पर सीरीज की शुरुआत में आप 1.20, 1.25, 1.30 के पुटकॉल रेशियो पर करते हैं, यहाँ पर 1.09 का पुटकॉल रेशियो, यानी कि आप कोई बहुत भारी नहीं है लॉन्ग साइड पर, हेवी नहीं है, बहुत बैलेंस्ड है, तो वो भी एक आपके लिए अच्छा संकेत। तो वजह से शुरू करते हैं जी, साढ़े हमारा कवरेज 6:30 से शुरू करते, कम से कम सिंगापुर वालों को सही गाइडेंस मिले। करेक्ट, उन्हें थोड़ा मजे लेने दीजिए, सही बात हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एसजीएक्स हो गया पॉजिटिव, नई पोजीशंस के लिए बताएं आप। खरीदे निफ्टी 16,875-17,000 रेंज, अगर आता है उस रेंज में चांसेस तो कम है, अब तो ये ग्रीन में भी हो रहा है, बट आजकल की वॉलिटिलिटी को देखते हुए किसी चीज के लिए हम मना नहीं करते, बिल्कुल आने में आ भी सकता है, अगर आए इस रेंज में तो खरीदेगा जरूर 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ में, टारगेट 17,100-175, 275, 300, ये चार टारगेट छोटे बस ठीक है, लेकिन ये ट्रेड ठीक नहीं है, सही वाला ट्रेड अब आ रहा है आपके सामने। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है, और स्टॉप लॉस है 17,000 से थोड़ा सा नीचे 16,975, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। टारगेट 17,175 छोटा वाला जहां आप खुलेंगे, 275-300 मीडियम टारगेट है, 375-400-475 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जैसे जैसे ऊपर जाए। अब आइए बेचने के लिए, बेचना कहाँ है ये ट्रिकी है थोड़ा सा, 275-300 की रेंज में बेचना है, ये आखिरी रेंज है बेचने की, अगर इसके पार निकल गया तो बेचना भी नहीं है, फिर बाद में तो वो स्टॉप लॉस भी आपका ट्रिगर करेगा। आपके पास दो ऑप्शन है दीप, एक तो छोटा सा 17,325 का स्टॉप लॉस लगा लें, और एक दूसरा बड़ा सा 17,400 का, दोनों में से कोई भी स्टॉप लॉस लगाएं, 275-300 में एक चांस ले सकते हैं बेचने का। नीचे का टारगेट जो बनेगा वो 17,200-150 छोटे टारगेट, 100 और 17,000 बस, ज्यादा टारगेट 17,000 तक के लिए ठीक है। बैंक निफ्टी सर खरीदे 37,575-37,750 की रेंज में आए तो वहां खरीद लीजिए, अगर आपको 200-250 पॉइंट नीचे खुलता हुआ दिखे बैंक निफ्टी तो आपके लिए लपक लेने का मौका है जी, मतलब 700-750-600 बहुत बढ़िया जगह है आपके लिए खरीदने के लिए। छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 37,500 का, टारगेट जो ऊपर का बनेगा दीप वो बनेगा 37,850-37,975 दो छोटे टारगेट, 38,050-38,150 दो मीडियम टारगेट, बस इतने ही, ज्यादा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, जब मैं बैंक निफ्टी पर इतना बुलिश हूँ तो उसकी वजह है कि जैसा कल आपको बताया था कि सबसे बेस्ट ट्रेड क्या है, वैसे सबसे बेस्ट ट्रेड अब आपके सामने आ रहा है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी का। ओके, एग्रेसिव ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी 37,700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, टारगेट पहला बनेगा 38,150 का, 38,325, 38,400, ये तो तीन हो गए छोटे वाले टारगेट, इसके बाद वाले टारगेट बहुत इंटरेस्टिंग है 475-600-725, यहां तक बैंक निफ्टी के जाने की तैयारी है। क्लियर, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिर्फ बैंक और बैंक निफ्टी, अंडरस्टूड, जबरदस्त मूव आने वाला, यस ये लेना है तो ये आपके लिए। अच्छा बेचने का बेचने का तो बता, एक चांस लेना चाहिए 38,600-725 के आसपास, 38,850 तक भी आप बेच सकते हैं, जिसके जिसका मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो चाहे तो 38,900 इसको स्टॉप लॉस को 38,900 कर दो चलो, ठीक है, तो ताकि कभी 38,850 तक आए तो 50 और वहां भी आप बेच सकते हो, 38,900 का स्टॉप लॉस कर लीजिए, और टारगेट जो बनेगा 38,500-38,350 छोटे टारगेट है, 38,200-38,150 और 38,050 ये टारगेट। एक बार इस रेंज में जाने के बाद मैं 38,000 के नीचे की डाउन साइड नहीं देखा, ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में खरीदारी के। अंडरस्टूड सर।